परम सत्कार योग साथ संगत जियो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सर्व सांझी गुरबाणी टीपीएम कंपनी वालों संगतां दे कर कमलां विच कष्ट भेटा कीती जा रही है। अनख जाग पई श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं 14 लड़ाइयां लड़नियां पईयां। लड़ाई दा कारण हुंदा है जार जोरू जमीन, भाव माया इस्त्री जायदाद। पर दशमेश पिता ने सारे जंग धर्म दी रखिया लई लड़े। 5 लड़ाइयां केवल आनंदपुर साहिब च ही लड़ियां गईयां। सब तो वड्डी ते आखरी लड़ाई होई 1761 विक्रमी विच, जदों लखां फौजां ने आनंदपुर साहिब नूं घेर लिया। 8 महीने घेरा पिया रहा। अत दियां मुसीबतां कलगीधर पातशाह ते सिंघां ने किवें कट्टियां। इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ज्ञानी दया सिंह दिलवर नवां शहर वालियां दा ढाडी जथा, भाई जसवंत सिंह श्री, भाई अवतार सिंह बीड़ बंसियां ते भाई सेवा सिंह बैणापुरी संगी मास्टर आयो बयान कर रहे ने। चला गया मुगलां ते बाई धार दे राजां नूं बाहरों सजरी मदद आ रही सी, पर सिंघां लई सब रस्ते बंद सन।
आखिर किले विचों राशन भंडार खत्म हो गए। भुख ने सिंघां नूं व्याकुल कर दिता। दुखी ते लाचार सिंघां दे दो धड़े बन गए। कमजोर धड़ा कहन लगा, हुण आनंदपुर साहब दा किला छड़ देना चाहीदा, भुखियां तों नहीं लड़िया जांदा। दूजा धड़ा कहन लगा, सतगुरां तों जाना कुरबान कर देंगे, आखिर एक दिन मरना है। कमजोर धड़ा ते शमेश पिता दे हजूर पेश होया। कहन लगे, महाराज किला छड़ दिओ, भुखियां तों नहीं लड़िया जांदा। शेरां वर्गे सूरमे सुक सुक के पिंजर हो गए ने। लोग कहंदे ने, मौतों भुख बुरी, भुख दे दुखों नीला घोड़ा ते प्रसादी हाथी मर चुके ने। दसवें पातशाह कहन लगे, सिंघो अजे राजनीति आग्या नहीं देंदी, कुछ दिन होर कुदर दे रंग वेखो। इन्हां कहा, महाराज होर सबर नहीं हुंदा, भुख नाल दुखी लाचार हो गए हां। गुरदेव कहन लगे, सिंघो किला छड्डियां जो नुकसान होवेगा तुसी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दुश्मन तो हाथों भी ज्यादा तंग आ चुका है, घेरा बहुता चिर नहीं रहना। सिंघां ने कहा, महाराज असी होर नहीं रह सकते, किला छड़ दियो। पहाड़ी राजियां गऊ की कसम खाधी है, औरंगजेब बादशाह ने कुरान की कसम खाधी है, ए तो चंगा मौका नहीं मिलना। हजूर ने गुस्से नड़किया, जेड़ा नहीं रहना चाहता चले जाओ। सुन के ये सची मुची तैयार हो गए जान नू। गुरदेव ने कहा, बचियो जे जाना है कोई निशानी दे जाओ, कदे याद कर छड़िया करांगा। कहन लगे, महाराज कादी। पातशाह कहन लगे, कागज उत्ते दो अखर लिख दियो, ना तू साडा गुरु ना असी तेरे सुख। ए सुन के कईयां दे दिल हिल गए। उन्हें कहा, असी नहीं लिखना। महाराज ने कहा, जिन्हें जाना है लिख के चले जाओ, नहीं तो अंदर बढ़ के बैठ जाओ। जिथे दुनिया में बहादुरी का कोई अंत नहीं, उथे भुजली की अखीर वेखी गई। कुदरत ने कोई ऐसी मनहूस कलम साथ छड़ी सी, जिन्हें फड़ के लिख दिता, अच्छा जी चंगा, ना तू साडा गुरु ना असी तेरे सिख। कागज दशमेश पिता दे चरणों में जाके ऐं रख दे।
ने कागज वेख के कहा, भाई सिंघो तुहाडा जथेदार कौन है? इन्हें कहा जी सरदार महा सिंह। गुरदेव कहन लगे, बेटा महा सिंह की लिखिया? कहन लगा जी तुसी आपे ही पढ़ लवो। महाराज कहन लगे, मैथों नहीं पढ़िया जांदा, अपनी जबानी पढ़ के सुना जा। जबान कंब गई, अखां झुक गईयां, बेदावा पढ़ के सुना दिता। पातशाह कहन लगे, पुत्रो जो गंढा हाथ नाल दे चले जे, कदे मुंह नाल खोलनियां पैण गईयां। सतगुरु जानदे सन ए भुल्लड़ बच्चे जरूर एक दिन मुड़ के आउणगे। एक शायर कहिंदा, किसे नूं रज के दीदार हुंदा है, पता नहीं क्यों। किसे नूं साफ ही इनकार हुंदा है, पता नहीं क्यों। कदे तां जोर ला ला के मुहाने हार जांदे ने, कदे पलकां च बेड़ा पार हुंदा है, पता नहीं क्यों। जो सौ सौ वार करके वैद्यां नूं मुकर जांदे ने, सौ सौ वार करके वैद्यां नूं मुकर जांदे ने, ओए उहनां दा फेर वी इतबार हुंदा है, पता नहीं क्यों। एक तुर लगे मां सिंह नूं आवाज मार के, मेरे कलगी तर पातशाह कुछ अयो कह रहे। साडियां मावां, साडियां भैणां, साडियां पत्नियां वेख के बड़ा खुश होणगियां, परौंठे पका पका खोणगियां। पर सिंघणियां ने सब तो पहला सवाल कीता, सरदार जी श्री आनंदपुर साहब दा की हाल है? कहन लगे, बाबा जी। उन्हें कहा, बाबा दा की मतलब, जंग फतेह होया है कि नहीं? कहन लगे, जंग तो उसे तरह हो रहा है। पत्नियां ने कहा, तुसी इत्थे तारा बटाउण आए जे? कहन लगे, असी तां भुखों दुखी होके सतगुरु नूं ही छड के आ गए। एनी सुन के घर वालियां दे मथे तिउड़ियां नाल भर गए। उन्हें कहा, लख लानत है तुहाडे जीवन नूं, आ वेखो जरा बेदावियां दा स्वागत घरां विच किहो जिहा हो रहा है।
छाती डाह के लड़े जे सूरमा रण विच पिठ दे के आ जाए ओदा मुल एक कौड़ी नहीं रहिंदा और सिख दी जिंदगी सिख दा जीवन उतना चिर ही सुखदाई है जिन्ना चिर गुरु नाल जुड़िया रवे। जदों सिख गुरु नाल टुट जाए ओदा मुल एक कौड़ी नहीं रहिंदा। एक शायर ने कुछ गल्लां बड़ियां कमाल दियां कहियां ने। वो कहिंदा है दर्ब ते कुलच जाए छूमता ते जस जाए कुनारी ते कुल जाए योग जाए कुसंग ते। दर्ब कहिंदे ने माया नूं जे माया मनुख कोल आ जाए उहदा कुलच्छपुणा ढकिया जांदा है। लोग कहिंदे जी सरदार बड़ा पुन्नी दानी है अमीरां दे कर्मां नूं पैसे दा पर्दा अमीरां दे धर्मां नूं पैसे दा पर्दा अमीरां दी जिंदगी नूं पैसे दा पर्दा अते शर्मिंदगी नूं पैसे दा पर्दा। शायर कहिंदा दर्ब ते कुलच्छ जाए और शूमता ते जस जाए कंजूस मनुख दा कदे सभा च जस नहीं हो सकदा। उन्हें आए सज्जन नूं
चाह पानी नहीं पुछनी ओदी शोभा किवें हो सकती है। एक शायर किसी मित्र दे घर गया, अगों चाह पानी भी ना पुछया, जदों मुड़ के आया पत्नी पुछन लगी सरदार जी सेवा कैसी होई। उन्हें एक सवैया लिख मारिया, कहिंदा काट के दांत कंजूस मिलियो कुछ भूत परेत का रूप बना जी, एवें सखणी आओ जी आओ करे कुछ टैल टकोर ना पूछत पा जी, पर निमणी चिमणी बहुत करे जिवें विच मसीत ते नवें निमाजी। आओ जी बैठो जी भाईया जी लाला जी ही ही जी हू हू जी राजी जी बाजी। उन्हें गलों में डेढ़ घंटा लगा देना है, चाह का कप नहीं पुछना, तो भाई फिर ओदी शोभा किवें हो जाए। शायर कहिंदा दर्द ते कुलछ जाए, शूमता ते जस जाए, कुनारी ते कुल जाए। जिस खानदान विच एक कुनारी होवे कुल दा नाश कर दिया कर दिए, कुनारी ते कुल जाए, योग जाए कुसंग ते। राजनीति वाला कहिंदा लाड किए पुत जाए, मुंडे नाल बहुता लाड करो मुंडा बिगड़ जाएगा। मुंडा स्कूले जांदा है किसी की किताब चुक लिया, सियानी मां दो लफड़ मुंह ते मारेगी, मुंडा मुड़ के चोरी नहीं करेगा। ते जे मुंडा किसी की किताब चुक लिया मां आखे आ मेरा चन वर्गा लाल, हुण मुंडा दी भावे नली वगदी फिरे मां दे भाणे दा रामचंद्र ही हुंदा, पर ओ बणदा बणदा पक्का चोर बनेगा। जे वड्डा हो गया फिर उन्हें बापू दियां बैठकां कढ़ाउणियां ने। शायर कहिंदा लाड किए पुत जाए, भुख ते मर्यादा जाए, सोच ते शरीर जाए, बुद्ध जाए भंग ते, कपट किए मित्र जाए, मांग हूं ते मान जाए, बोल ते वड़ियाई जाए, पाप जाए गंग ते, अनीति किए राज जाए। जड़ी सरकार लोकां उते जुल्म कर दी है, समझ लो अज भी गई ते कल भी गई, अनीति किए राज जाए, क्रोध ते तपस्या जाए, और तदों वीर ताई जाए मुड़े जदों जंग ते। सूरमे दे पले कख नहीं रहिंदा, जदों रण विचों पिठ दे के आ जाए, ए बेदावगे घरां विच आए, घरां विचों भी लानतां बाहर भी लोकां ने लानतां पाईआं। बेदावा देण वालिआं दे होश टिकाणे आ गए, उन्हां सोचिआ ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नालों मर जाणा बेहतर। सरदार महा सिंह ने सारे सिंह इकट्ठे कीते, आख्या खालसा जी चलो सतगुरां कोल चलिए माफी मंग लईए, वो बड़े दयालु ने वो बख्श लैणगे। बीबी भागो चुबहाल दे माले शाह दी पुत्री, बड़ी बहादुर हौसले वाली बीबी सी, इहदा 6 फुट लंबा कद, इहनू 7वें पातशाह श्री गुरु हर राय साहिब जी दा वर सी। इहने 8वें ते 9वें पातशाह दे वी चरण परसे, इहने दशमेश पिता तों खंडे दा अमृत छकिया। बीबी पहाकौर ने जोश विच आ के एक सिंघा नूं ललकार के इउं कहा, ਸੰਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਰੀਆਂ
ਮਾਮਾ।